मच्छरों को उड़ा देंगे तोप से, एक मिसाइल लगते ही उनके कट जाएंगे, पर बेशक से रेंगल की सभी जनता आ जाए, पर किल चोर को नहीं लगता डर, पेटियाई पेटिया चमक जाती है रेंगल के हर कोने में, बस एक बार दिख जाए बंदों का सर, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को आने दो तो भाई मचा कर तोड़ देंगे पोचिंकी के सभी घर। भाई किल चोर तुम मच्छर मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। नफरत नगर के दूर दिल ते साथ निभाइयो, एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे बैटल ग्राउंड वाले भाइयों। तो भाइयों आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है भाई, क्योंकि आज यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे आ गए थे और आज हम यहाँ पर भाई उतरते ही ना बहुत सारी पेटियां चमकाने वाले हैं, जिनको देखकर आपको 10-15 हजार किलो मजा आ जाएगा। तो हम उतरते ही भाई आज लग जाते हैं अपने पेटियां चमकाने वाले काम पर। तो ये भाई आसमान से टपके किल चोर के हाथों भटके। अब जब आएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया तो भाई आएगा मजा, उतरते ही छह को दे दी सजा। ए भाई किल चोरे कती मौज कर दी मौज। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, दिख के आओ मैं हूँ डोरीमोन। तो ये देखो भाई डोरीमोन भाई साहब भी पबजी खेलने लग गए। अब यहाँ पर भाई मेरी एमओ की ऐसी तैसी हो गई थी, तो मैं दिल चोर भाई को बोलता हूँ कि तुम मच्छर बन जाओ और पॉइंट इकट्ठे करके भाई मेरे लिए एमओ लो। है भाई किल चोरे बहुत तेज बने हैं, दिख के आओ। और चुन्नू भाई क्या हाल है। अब ऐसा लग रहा भाई कुछ दिन तो ना यहाँ पर भाई बंदे भर भर कर आएंगे, बस मुझे यहाँ पर एक चीज की कमी लगी हो भाई, लूट। तो पबजी वालों को ना यहाँ पर थोड़ी सी लूट और ज्यादा देनी चाहिए थी। और कुछ भाई जो ये बोलने लग रहे थे कि भाई सिंपल मोड खेलो, इसमें ज्यादा मजा नहीं आता। तो देखो भाई अभी जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आने वाला है, तो कुछ ही दिन में आ जाएगा और उसमें भाई हमें ये मोड नहीं देखने को मिलेगा भाई, वो जो है सीजन 1 से स्टार्ट होगा। तो आपके पास ना कुछ ही दिन है, जितना हो सके भाई मजे ले लो इस वाले मोड के भी, फिर आपको उसमें ये नहीं देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स गोली खा लो। तो यहाँ पर भाई ये लास्ट बंदा बचा हुआ था, इसको भी टपका दिया और यहाँ पर ना भाई हमारे 10 किल हो गए थे, तो मजा आ गया था यार, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई थी। और कल भी भाई कुछ भाई बोलने लग रहे थे कि हम जो है इंसेक्ट नहीं बन पा रहे, तो आप जो अपना जो है जायरो ऑफ कर लेना अगर आपका जायरोन है तो, और स्क्रीन पे ना टच मत करना तभी बनोगे। मैं आज चल पड़ा हूँ ऊंची उड़ान मेरी, तेरी चमकती पेटी से लिखूंगा मैं कहानी तेरी, मक्खी हूँ मैं मक्खी। अब जिस जिसने भाई मक्खी मूवी देखी होगी ना उनको कुछ ऐसी ही फीलिंग आने लग रही होगी। और अब जो मैं रेड जोन में आ जाता हूँ ताकि मैं बंदा बन जाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है कुछ बंदों का लठ बजा हुआ था, तो मैं उनको टपकाने के लिए आ जाता हूँ। अब मुझे तो लगा था कि भाई ये बोट है, लेकिन नहीं भाई ये जो है रियल बंदा था, तो इसको शायद जोर से आ गई थी भाई इसलिए ये ऑफलाइन हो गया था। और बोट जो था भाई वो राइट में था, और जो सामने था ना मुझे ये भी बोट लगा था, लेकिन भाई ये रियल बंदा था और ये इतना ज्यादा चालू था भाई कि ये इस बोट को ना बोट की तरह मारता है ताकि हमें लगे कि ये भी बोट है। अब यहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, मुझे तो सब पता है कि ये बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इनको नहीं पता कि किल चोर इनसे भी ज्यादा चालू है। अब यहाँ पर हमारे 12 किल हो गए थे और मैं फिर से भाई ये मच्छर मक्खी बनकर यहाँ से निकलने की सोच रहा था, तो उसी टाइम ना यहाँ पर भाई नया स्टॉक और आ गया। तो यहाँ पर ना भाई कैंप करने की बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है ये वाली। अब भाई ये बंदा भी टपक गया था और इसने ना भाई हमें बहुत ही मस्त वाली लूट दे दी थी। और कुछ भाई ना ये भी बोलने लग रहे थे कि भाई यहाँ पर वो गली चोता है अनलिमिटेड फ्लेयर गन वाला,
तो देखो भाई मुझे पता है लेकिन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। 10 सेंट वालों का ना कुछ नहीं पता भाई कि किस बात पर स्ट्राइक मार दे, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर स्ट्राइक पड़ जाती है ऐसी कुछ वीडियो डालने से तो यार वो एक नहीं वो 4-5 मारते और उससे ना फिर चैनल ही डिलीट हो जाता है, फिर वो किसी की सुनते भी नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि भाई नहीं करेंगे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं पता भाई, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है अगर कोई ग्लिच को प्रमोट करता है तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, तो भाई मैं ऐसा कुछ भी प्रमोट कभी भी नहीं करने की कोशिश करूँगा। तो हम जो है दूसरी जगह पे आ गए थे और यहाँ पर ना पहले से ही भाई कुछ मक्खी मच्छर भी थे और कुछ बंदे भी थे। अब ये धोखेबाज टीममेट था भाई, इसके एक टीममेट को तो मैंने नॉक कर दिया था और ये यहां से ना भाई 9-2-11 होने की सोच रहा था, तो उसको भी भाई सजा मिल गई थी। अब यहां पर भाई कुछ मक्खी मच्छर और आ गए थे कहीं और से। अब इसको भी मैंने डैमेज दे दिया था लेकिन शायद इनको इस तरह से भाई ज्यादा डैमेज नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत डैमेज मिलता भाई। वैसे लगी तो थी भाई इनको 10-15 ग्राम गोलियां। और अब कुछ देर में ये बंदा जो है पीछे की साइड जाता और बंदा बनकर यहीं पर आ जाता है। और अब देखो भाई कैसे लपेटते इसको, कभी बनते ये मच्छर कभी बन जाते ये काले नाग। भाई शायरी नहीं सुना रहा यार, वैसे ही बता रहा था कि कभी बन जाते ये मच्छर कभी बन जाते काले नाग, वैसे टपका दिया था मैंने उनको। अब इन सबको टपका कर हम अपनी ये बग्गी लेकर यहां से निकल जाते हैं। बंदा ऊपर अब इस मोली से तो भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ा और मेरा 800 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन अब इस सूतड़ी बम का कमाल देखो। ओम भट स्वान नेड़ से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। बोलो पेटी चमकाने वाले बाबा की जय। अब इन दोनों चुन्नू मुन्नू को भाई हमने जो लोबी में पहुंचा दिया था और अब आ गया था भाई यहाँ पर जोन। तो यहाँ से बग्गी लेकर निकल जाते हैं और सर्कल भाई बहुत ज्यादा छोटा था लेकिन बंदे अभी बहुत ज्यादा बचे हुए थे और सामने से जो है फायर होने लग रही थी, जो कि भाई हमें पता ही नहीं चला कि भाई बंदे है किधर। तो कुछ देर हम पहले यहाँ पर वेट करते और मैं पीछे की साइड देखता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखा। मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करता सच बताने में, सबसे ज्यादा मजा आता है किल चोर को पेटिया चमकाने में। अब यहाँ पर हमारे 19 किल हो गए थे और अब बंदे बचे हुए थे भाई 4, तो 2 बंदे स्क्वाड हाउस की तरफ थे और 2 बंदे जो है इस साइड थे, तो यहाँ से फायर होने लग रही थी। अब यहाँ पर भी भाई एक बंदे के पेट में दर्द कर दिया था लेकिन जो सामने बंदे फाइट लेने लग रहे थे ना भाई, उनमें से मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा। मुझे लगा कि एक बंदा शायद टावर पे है और यहाँ पर भाई सच में ही बंदा था, तो इसने मुझे नॉक कर दिया और हमने भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जोन आने लग रहा है। तो आपको क्या लगता कि भाई बच जाऊंगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और दिल चोर भाई भी गए और यहाँ पर मुझे वो किल भी मिल गया था, वो बंदा ही भाई जोन में ही टपक गया था और हम भी जोन में टपक गए, तो इनको फ्री में जो है डिनर मिल गया। तो उम्मीद आपको आज किस गेम प्ले में भाई 10-15 हज़ार किलो मजा आ गया होगा। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किल चोर मचाएगा तब आई।